27 कंपनी का हाईएस्ट डिविडेंड बोनस न्यूज कवर कर रहा हूं, किंतु छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज। पहली कंपनी का नाम है साइमेंस, डिविडेंड की मीटिंग है 28 नवंबर को। दूसरी कंपनी अवंतल बोनस देगा दो अनुपात एक एक्सटेज 24 नवंबर। नेक्स्ट कंपनी BPCL, डिविडेंड की मीटिंग है 29 नवंबर को। नेक्स्ट कंपनी पूजा एंटरटेनमेंट बोनस देगा 6 अनुपात एक एक्सटेज 9 दिसंबर। रावलगांव शुगर स्प्लिट करेगा 1 अनुपात 5 एक्सटेज 24 नवंबर। स्टैंडर्ड कैपिटल स्प्लिट बोनस की मीटिंग है 24 नवंबर को। जैसे ही बोनस आएगा चैनल पर अपडेट कर देंगे, इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि बोनस के बाद स्टॉक में रैली शुरू हो जाती है, अपर सर्किट भी लग जाती है यदि अच्छा अनुपात में बोनस आता है तो। अगली कंपनी कबीलपट्टी लक्ष्मी, डिविडेंड की मीटिंग है 23 नवंबर को। इंटेग्रा एसेंटिया बोनस की मीटिंग है 27 नवंबर को। TCS बायबैक करेगा 4150 रुपये, कल आखिरी डेट है बायबैक खरीदने का। श्रीजी ट्रांसलॉजिस्टिक बोनस की मीटिंग है 21 दिसंबर को। फ्रैंकलिन इंडस्ट्रीज स्प्लिट की मीटिंग है 27 नवंबर को। SVC एक्सपर्ट बोनस की मीटिंग है 5 दिसंबर को। KLRF डिविडेंड की मीटिंग है 23 नवंबर को। एक्सिता कॉटन बोनस की मीटिंग है 23 नवंबर को। तो कल जैसे ही बोनस आएगा तो लाइव मार्केट में टेलीग्राम पे अपडेट कर देंगे, इसलिए प्लीज़ टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में एवं कमेंट में भी लिंक मार सकते हैं, यहाँ स्विंग ट्रेडिंग कॉल भी मिलता है। इंदाग रबर डिविडेंड देगा 90 पैसा प्रति शेयर। मिल्क फूड डिविडेंड देगा 2.50 रुपया प्रति शेयर। ITC डीमर्जर करेगा 1:10, एक अभी तक एक्सटेंड नहीं आया। ISAB इंडिया डिविडेंड देगा 32 रुपया एक्सटेंड 25 नवंबर। नेक्स्ट कंपनी वेदांता अनिल अग्रवाल, हाल ही में खबर आई है कि भारत की अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन के पार निकल गई है। भारत की GDP ने पहली बार $4 ट्रिलियन का आंकड़ा छुआ है। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए यह अहम पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2025 तक देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन पर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। भारत के दिग्गज उद्योगपति और वेदांता ग्रुप के मुखिया अनिल अग्रवाल ने कहा कि एक भारतीय के रूप में हमारा लक्ष्य अपनी अर्थव्यवस्था को जल्द से जल्द $5 ट्रिलियन के पार पहुँचाने का है। अनिल अग्रवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि हम भारतीय अर्थव्यवस्था को $10 ट्रिलियन के करीब ले जाने के लिए प्रयासरत हैं। अनिल अग्रवाल ने लिखा, भारत की अर्थव्यवस्था के $5 ट्रिलियन पर आने के बाद देश में गरीबी मिटाने में मदद मिलेगी और सभी लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाया जा सकता है। वेदांता के मुखिया अनिल अग्रवाल ने लिखा कि जिस तरह हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य की तरह आगे बढ़ रहे हैं, हमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बीच के भेदभाव को खत्म करना होगा। यह बहुत जरूरी कदम है। वेदांता के मुखिया अनिल अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा, सरकार और पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को क्लियरेंस और फंड देने से आसानी महसूस करते हैं। वास्तव में सरकार किसी भी देश की सर्वोच्च संस्था है और उसके लिए हर कोई बराबर होना चाहिए। इससे देश के उद्यमियों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी और उनके स्टार्टअप को तेज़ी से कामकाज बढ़ाने और जॉब के मौके बढ़ाने में मदद मिलेगा। वेदांता के मुखिया अनिल अग्रवाल ने लिखा कि हमें एक ऐसा समाधान ढूंढने की जरूरत है जहां सरकार कामकाज की जगह देश के हर व्यक्ति की स्थिति सुधारने की तरफ ध्यान दें। इससे हमारे देश की GDP ग्रोथ रेट एक अलग लेवल पर पहुँच सकती है। वेदांता के अनिल अग्रवाल ने लिखा कि सरकार की एनर्जी नियम के पालन और समाज के वंचित तबके के कल्याण पर होना चाहिए। वेदांता के अनिल अग्रवाल ने इसके बारे में विस्तार से लिखा कि सरकार के बिजनेस से अलग होने का तारीख यह भी है कि किसी भी छंटनी ना की जाए और यह ध्यान रखा जाए कि किसी जॉब का नुकसान ना हो। वेदांता के अनिल अग्रवाल ने लिखा कि अगर जरूरत हो तो कुछ PSU को नेशनल सिक्योरिटीज के हिसाब से सरकार अपने पास रख सकती है। वेदांता के अनिल अग्रवाल ने लिखा, हमारे प्रधानमंत्री हमेशा बोलते हैं कि सरकार को काम धंधे से दूर रहना चाहिए और वंचित तबके के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। इस हिसाब से देश के लोगों को अब सरकार के विजन पर काम करने की ज़रूरत है। फेडफिना IPO बुधवार को खुलेगा। इशू पढ़ें वो सभी बातें जो आम निवेशकों के लिए जरूरी। इशू 22 नवंबर को खुला है और निवेशक 24 नवंबर तक एप्लीकेशन दे सकते हैं। इशू प्राइस
140 रुपया तक रखा गया है। रिटेल निवेशकों को कम से कम 107 शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं। देश के 5 निजी बैंकों द्वारा प्रमोट होने वाली NBFC कंपनियों में से एक फेड फिना यानी फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड का IPO बुधवार से खोलने जा रहा है। NBFC में फेडरल बैंक की 74% और ट्रू नॉर्थ फंड VIL LLP के पास 25.3% हिस्सेदारी है। अगर आप भी NBFC सेक्टर में निवेश करने का मौके तलाश रहे हैं तो इशू आपके लिए एक मौका हो सकता है। हालांकि निवेश से पहले आपको कंपनी के सामने मौके और जोखिम आदि पर भी नज़र रखना चाहिए। एक नज़र डालें कंपनी से जुड़ी जरूरत बातें को। NBFC को फेडरल बैंक प्रमोट कर रहा है जो कि कंपनी के लिए काफ़ी सकारात्मक है। कंपनी का मैनेजमेंट अनुभवी है जो कि बाजार का भरोसा बढ़ाने में अहम है। केयर और इंफ्रा की तरफ से AA- की मजबूती रेटिंग हासिल है। कंपनी की कॉस्ट ऑफ फंड इंडस्ट्री में सबसे कम है। कंपनी की ऐसी बाजारों में मजबूत पहुंच है जहां विस्तार की काफ़ी संभावनाएं मौजूद है। कंपनी के छोटे टिकट साइज लोन पर फोकस है जिससे तेज ग्रोथ की संभावना है। कंपनी के लोन का एक बड़ा हिस्सा सिक्योर लोन है लेकिन फिर भी RWA और PSU का रेशियो काफ़ी ऊंचा यानी 92% से ऊपर है। कंपनी का सबसे बड़ा जोखिम कंपनी में सामने आ रहे फ्रॉड है जिसकी वजह से इस पर रिजर्व बैंक की नज़र है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो बढ़ गया है जिसका असर रिटर्न रेशियो पर है। पिछले कुछ सालों में एसेट क्वालिटी पर दबाव देखने को मिली है। सस्ता में तेजी के बीच NBFC सेक्टर के लिए लगातार मौके बन रहे हैं क्योंकि देश में लोन की मांग लगातार बढ़ रही है और बैंक की पहुंच हर जगह नहीं। इस गैप को NBFC भर रही है। इससे फेडफिन के लिए भी लगातार मौके बने हुए हैं। हालांकि फ्रॉड की वजह से रिजर्व बैंक की निगाह बने रहे हैं। कंपटीशन बढ़ने की पूरी संभावना और मार्केटिंग पर सीमित फोकस कुछ बड़े जोखिम है। इशू 22 नवंबर को खुलेगा और निवेशक 24 नवंबर तक एप्लीकेशन दे सकते हैं। इशू प्राइस 133 से 140 रुपये रखा गया है। NBFC की इशू से 1092 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है। रिटेल निवेशक कम से कम 107 शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं। यहां एप्लीकेशन कम से कम 14,980 रुपये की होगी। रिटेल निवेशकों के लिए 35% हिस्सा रिजर्व है। टाटा मोटर कोल इंडिया में बड़ी तेजी की तैयारी, इन शेयरों में भी होगा कमाई। हॉट स्टॉक दिग्गज ब्रोकरेज फर्म ने आज कई शेयरों पर रिपोर्ट जारी किया। ये स्टॉक टाटा मोटर, डिविस लैब, स्कॉट कोबर्टा, कोल इंडिया, इंटरग्लोब एविएशन, IGL और अल्ट्राटेक सीमेंट है। इस स्टॉक पर CLSA का कहना है कि GLR का रिटेल वॉल्यूम अक्टूबर महीने में सुधरा है। UK और EU में वॉल्यूम में सुधार देखने को मिला है। डिस्काउंट बढ़ा है लेकिन यह लैंड रोवर को ज़्यादा नहीं देखने को मिल रहा है। सेक्टर की दूसरी ग्लोबल कंपनियों के मुकाबले जेनेरिक दवाइयों में प्राइसिंग का दबाव देखने को मिल रहा है। ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि इससे ऑर्डर इनफ्लो और आगे चलकर मार्जिन पर भी असर देखने को मिलेगा। दूसरी कंपनियों की तरह से इस कंपनी को सस्ते कच्चे माल और ढुलाई का फायदा नहीं मिला है। कंपनी वॉल्यूम ग्रोथ पर लगातार मजबूती जोर दे रही है। केंद्र सरकार अभी पावर प्लांट के लिए कोयले की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए फोकस कर रही है। एनालिस्ट का मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में 780 MT उत्पादन की योजना पटरी पर है। इससे पहले 774 MT पर रहने का अनुमान था। ट्रैक्टर कंपनियों को लेकर ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि इंडस्ट्रीज का वॉल्यूम पिछले 10 साल में करीब दोगुना हो चुका है। मौजूदा समय में लैंड पार्सल के लिहाज से देखें तो ट्रैक्टर का पेनिट्रेशन अभी भी 40% कम है। ब्रोकरेज फर्म ने ट्रैक्टर कंपनियों को लेकर कहा कि कारोबारी साल 2025 इंडस्ट्रीज के लिए कमजोरी वाला साल रह सकता है। लंबी अवधि में CAGR 5 से 9% के दायरे में रह सकता है। मजबूत रिटर्न रेशियो का मतलब है कि वैल्यूएशन महंगा होगा। मॉर्गन स्टेनली के एनालिस्टों का मानना है कि छोटी अवधि में डिमांड और किराया इस कंपनी के लिए सपोर्टिंग रहेगा। साथ ही इंडस्ट्री से कंसोलिडेशन से इस एयरलाइन को फ़ायदा मिलने वाला है। ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि LNG ट्रैकिंग की वजह से यह सब शुरुआती स्टेज के मुकाबले सुधर रहा है। कंपनी ने लॉजिस्टिक्स ऑपरेटर के साथ करार किया है जिसने आगे चलकर इकोसिस्टम में सुधार देखने को मिलेगा। अगर यह सुधार जाता है तो आगे चलकर डिमांड ग्रोथ का एक नया एरिया खुल सकेगा।